हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम दिखाएंगे कि कैसे होती है सिरिस मैफेल्स कंपनी की कंप्यूटराइज की एंड सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग और एक की को बनाने के लिए कितनी मशीनों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मिलिंग मशीन पर इन चाबियों पे मिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब जिस तरीके से कटिंग हो रही है ये देखिए, इस तरीके से मिलिंग मशीन पे ये काम होगा। और उसके बाद हम कंप्यूटर के जरिए इस पे लेजर से नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद हम इस की के नंबर्स को इस मशीन के डैशबोर्ड पे हम इस नंबर को मैन्युअली टाइप करेंगे और इस नंबर के हाई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम इस चाबी पर डॉट के रूप में मेंशन करेंगे और इस मशीन का यूज़ करके इस तरीके से अब ये डॉट इस पे बन गए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इतनी मेहनत के बाद एक चाबी तैयार की जाती है और हमारी फैक्ट्री में जितनी मशीनें लगी हैं वो सारी की सारी ताइवान की है और उन्हीं मशीनों पे A1 क्वालिटी की चाबियाँ बनाई जा रही हैं और इसी चाबी के हिसाब से अब हम सिलेंडर को भी तैयार करेंगे। इस तरीके से अब सारे के सारे चाबी के हिसाब से सिलेंडर तैयार कर लिए जाएंगे और इस सिलेंडर को तैयार करने के बाद इसमें सारी की सारी चाबियाँ इस पर चेक कर लेंगे और अब ये पूर्णतः पूरी तरीके से सिलेंडर और चाबी तैयार हो गई है। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पैकेजिंग करने के बाद और ये सिलेंडर के साइज़ के हिसाब से इसमें निशान भी लगा लेंगे। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sirismafield.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।